इन्फोसिस की परोपकारी और CSR शाखा इन्फोसिस फाउंडेशन ने आज अडोर के सहयोग से नागपुर में दूसरा डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर कल से शहरवासियों की सुविधा में खुला किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी है। इस पहल का उद्देश्य 3 सालों में 12,000 रोगियों को लाभ पहुंचाना है। जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से अडोर रक्त शर्करा के स्तर और वजन में कमी जैसे मापदंडों के आधार पर रोगियों की प्रगति आकलन करेगा। इसके अतिरिक्त यह कम से कम 50% रोगियों के लिए मधुमेह की दवाओं की खुराक को कम करने का इरादा रखता है। नागपुर में डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर जो 1 दिसंबर से संचालन शुरू करने के लिए निर्धारित है, रोगियों को मुफ्त काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। केंद्र में 5 से 14 दिसंबर तक 10 दिनों के लिए मुफ्त HbA1c परीक्षण शिविर भी आयोजित करेगा, जहां पर लोग मुफ्त परीक्षण के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आप हिंगना रोड स्थित दीनदयाल नगर पिंगले निवास सिटी सर्वे नंबर 948 इस पते पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हो, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। इन्फोसिस फाउंडेशन के ट्रस्टी सुनील कुमार धारेश्वर ने कहा, हजारों रोगियों में टाइप 2 मधुमेह दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अडोर के साथ सहयोग कर हम बेहद ही खुश है और यह तालमेल रोगियों के जीवन शैली में मामूली बदलाव को प्रोत्साहित और सक्षम कर उनके जीवन को बेहतर बनाने के हमारे साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। हमें विश्वास है कि अडोर के काउंसलिंग और मार्गदर्शन के साथ ये छोटे कदम उनके स्वास्थ्य में बहुत ही बदलाव लाएंगे। आप मुझे दीक्षित डाइट की वजह से जानते हैं। पिछले 10 सालों से हम मोटापा एवं मधुमेह मुक्त विश्व अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत इसको अगली ऊंचाई तक ले जाने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन ने हमको सहयोग दिया है और उनके सहयोग से हम पुणे और नागपुर 2 शहरों में मधुमेह मुक्ति समुपदेशन केंद्र शुरू कर रहे हैं। नागपुर का जो सेंटर है वो कल से उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, ये कल से कार्यरत होगा। पिंगले निवास सिटी सर्वे नंबर 948 हिंगना रोड दीनदयाल नगर, ये उसकी एड्रेस है जहां पर आप ये फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेंटर का उद्देश्य है कि हम लोगों का डायबिटीज़ पहले डायग्नोज करना चाहते हैं और उनका डायबिटीज़ रिवर्ट करना चाहते हैं। हाँ, एम हमारा ऐसा है कि 3 साल में कम से कम 1,000 लोगों का डायबिटीज़ हमको रिवर्ट करना है। इसलिए पहले हम 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक फ्री HbA1c टेस्टिंग कैंप का आयोजन कर रहे हैं। मेरा सभी को आह्वान यह है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे ताकि आपको पता चले कि आप प्री डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो और आपको मेडिसिन शुरू नहीं हुआ है तो आपका रिवर्सल बहुत जल्दी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आज इतने सालों तक आपने अभियान का समर्थन किया है, ये अभियान लोगों तक पहुंचाया है। मुझे आपसे उम्मीद है कि ये भी जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके ज़रिए पहुंचेगा और नागपुर के लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आप खुद के डायबिटीज़ को ज़रूर रिवर्ट करेंगे। धन्यवाद। इस दौरान अडोर के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ने कहा, हम इन्फोसिस फाउंडेशन के समर्थन की सराहना करते हैं क्योंकि हम पुणे और नागपुर में रोगियों के लिए टाइप 2 मधुमेह को खत्म करने का प्रयास करते हैं। जल्द से जल्द चालू होने वाले नागपुर केंद्र एक मधुमेह विशेषज्ञ और काउंसलिंग के साथ व्यक्तिगत काउंसलिंग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।